हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन इन आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूज ऑफ हैज और हैव। आज हम लोग इस वीडियो में हैज और हैव का यूज हम कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आप लोग अपने सामने कॉपी रखोगे, पेंसिल रखोगे और जैसे जैसे इसमें मैं समझाऊंगी आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, देन अपनी कॉपी में नोट करोगे, ओके? और इसके रिलेटिव जो होमवर्क जाएगा आप लोग उसे खुद से फिल करोगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव। स्टूडेंट्स, हैज और हैव के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बट आपको ये रिविजन कराया जा रहा है कि हैज और हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं, हैव किसके साथ यूज करेंगे एंड हैज हम किसके साथ यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हैव हम हमेशा सेकेंड पर्सन के साथ करते हैं और हैज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, ओके? ही और सी यानी किसी एक के साथ हम, आपको ये समझाया जा रहा है कि किसी एक पर्सन के साथ हम हैज लगाएंगे एंड एक से अधिक जब रहेंगे तो उसमें हम हैव भी लगाएंगे। अब यहाँ आई, आई फर्स्ट पर्सन हुआ यानी ये अकेला, तो उसमें आई यूज होता है मैं यानी खुद के लिए, तो वहां एक पर्सन होगा तो उसके साथ हम ऑलवेज हैव लगाते हैं। बाकी भी बीबी सेकेंड पर्सन, यू फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों होता है, बट हम यू के साथ ऑलवेज हैव लगाते हैं। दे के साथ मीन्स होता है वे लोग, तो उसके साथ भी हम हैव लगाएंगे। ही के साथ हम ही मीन्स वह लड़का के लिए, उसके साथ हैज लगाएंगे। सी लड़की के लिए, तो उसके साथ भी हम हैज लगाएंगे। और कोई एक नेम रहेगा, ओके? नेम एनी वन नेम, कोई एक नेम रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। यदि दो नाम रहेगा तो हैव लगाएंगे और एक नाम रहेगा तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे, ओके? रिमेम्बर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इससे रिलेटिव इस प्रैक्टिस पर हम देखते हैं। आई डैश अ बलून, तो इस कॉलम में हम देखेंगे कि आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो आई हैव अ बलून। नेक्स्ट है यू, अब यू इस कॉलम में देखेंगे कि यू किसके साथ लगता है, तो यू के साथ लगता है हैव, तो हम इसमें हैव लगाएंगे, यू हैव अ बुक, ओके? नेक्स्ट है ही देखेंगे, क्या ही हैव के साथ लगेगा या फिर हैज के साथ लगेगा, तो ही हैज के साथ लगेगा, ही के साथ हम लगाएंगे हैज अ कार। थर्ड है बी, अब बी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं या फिर हैज लगाते हैं, तो एज यू नो यू बी के साथ हम ऑलवेज हैव लगाते हैं, वी हैव न्यू बुक्स। नेक्स्ट है राम, अब राम एक नेम हो गया, यहाँ एक ही नेम है यानी इसके साथ हम हैज लगाएंगे, एनी वन नेम। यदि यहाँ पे टू नेम होता राम एंड श्याम, डैश ब्लू पैस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीता एंड गीता डैश पेज, तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट इसमें, रीता एंड गीता डैश पेज। तो इसके साथ मैंने आपको बताया वन नेम रहेगा तो हम हैज लगाएंगे एंड टू नेम रहेगा तो हम ऑलवेज हैव लगाते हैं। तो यहाँ रीता एंड गीता, ये दो नेम हो गया तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, रीता एंड गीता हैव पेज, ओके? अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राम डैश और बैग, तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि राम के साथ हम हैज लगाते हैं, तो राम के साथ हम हैज यूज करेंगे, राम हैज अ बैग, ओके? नेक्स्ट है आई डैश ब्लू बैग, मैंने आपको पहले ही बताया कि आई के साथ हम ऑलवेज हैव लगाते हैं, तो हम लगाएंगे आई हैव ब्लू बैग, ओके? सेवेंथ है सी डैश अ व्हाइट कैट, सी किसके साथ लगाते हैं, तो हैज लगाएंगे सी के साथ, तो हम इसमें लिखेंगे सी हैज अ व्हाइट कैट, ओके? एट्थ है डे डैश पेन, डे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं।
नेक्स्ट है डैश हैव अ डॉग वी हैव अ डॉग लास्ट है सी डैश एंड आउट सी के साथ क्या लगाते हैं तो हम हैज लगाते हैं सी हैज एंड आउट ओके स्टूडेंट्स आई होप आप ये अच्छे से समझे होंगे कि किसके साथ हम हैज लगाते हैं और किसके साथ हैव लगाते हैं हैव के साथ लगाते हैं तो आई वी यू दे सबके साथ हम हैव लगाएंगे एंड ही सी या एनी वन नेम के साथ हम क्या लगाते हैं हैज लगाते हैं आई हैव अ बलून यू हैव अ बुक ही हैज अ कार वी हैव न्यू बुक्स राम हैज अ बैग आई हैव अ ब्लू बैग सी हैज अ व्हाइट कैट They have pens. We have a dog. She has an owl. And two name के साथ क्या लगाएंगे हम have लगाएंगे तो Rita and Geeta have pens. Okay? One name के साथ है and two name के साथ हम always have लगाते हैं और I के साथ हम have लगाते हैं Okay students? आज के लिए इतना ही आई होप आप सबको समझ में आया होगा आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और इससे रिलेटेड होमवर्क भी खुद से बनाओगे आज के लिए इतना ही